कृष्णा दोस्तों, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी के मंदिर दर्शन करने, बांके बिहारी जी के। और वहाँ दर्शन करने के बाद फिर लोग लौटेंगे वापस तो अपने इस्कॉन मंदिर जाएंगे। और यहाँ इस्कॉन मंदिर से बांके बिहारी के मंदिर की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। उन्होंने रिक्शा किया, 20 रुपये लगा है रिक्शे का। चलिए फिर बांके बिहारी मंदिर दर्शन करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग बांके बिहारी के मंदिर आते हो तो यहाँ पे पहले ही गली के अंदर मुड़ने से पहले ही निःशुल्क जूता स्टैंड है सरकारी, आप यहाँ पे जूता अपना सबमिट कर सकते हो। और उसके बाद इस गली से टर्न लेके लेफ्ट आप अंदर जा सकते हो। करीब 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा, उसके बाद मंदिर आती है और फिर वहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, प्रसाद भी आप अंदर ही ले सकते हैं। तो ये गली के मोड़ पे आ चुके हैं और इसके बाद यहाँ से सीधा टर्न लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से केवल नंगे पैर प्रवेश कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर प्रसाद लेंगे, पेड़ा लेंगे और उसके बाद चप्पल यहीं उतार देंगे अपने, खोलेंगे। प्रभु जी प्रसाद कैसे दिए? राधे 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 हरे कृष्णा। दोस्तों, हमने दर्शन कर लिया है बांके बिहारी के और काफी कम भीड़ में देखा जाए तो हमेशा की अपेक्षा से तो काफी अच्छे से दर्शन हो गए हैं। मंदिर तो अंदर जाना अलाउ नहीं था मंदिर के अंदर मोबाइल, और इस वक्त हम इस्कॉन मंदिर के अंदर और जा रहे हैं कृष्ण बलराम दर्शन करने। चलिए आपको भी कृष्ण बलराम जी के दर्शन कराते हैं। हम लोग के चेकआउट का टाइम हो गया था, इस्कॉन से निकल रहे हैं, ये गार्ड पास गेट पास दे दिए हैं और फिर यहाँ से चलेंगे, सारा सामान डालेंगे गाड़ी में लोड करेंगे और उसके बाद प्रेम मंदिर के लिए निकलेंगे। ये प्रेम मंदिर का पार्किंग है, कार पार्किंग, ई रिक्शा सब पार्क हो जाता है और मंदिर 12 बजे बंद हो जाएगी। तो लोगों को कार पार्किंग 11 बजे कार निकालने पड़ेगी। मंदिर की पार्किंग करीब रोड के पीछे है और यहाँ से करीब 800 मीटर से पहले है। और ये है प्रेम मंदिर का मेन द्वार एंट्री के लिए, और यहाँ पर चेकिंग होती है और उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। और ये हमारे सामने है प्रेम मंदिर, श्री कृपालु महाराज जी के द्वारा बनाया हुआ काफ़ी भव्य मंदिर है, आप देख सकते हैं। कम से कम अगर देखा जाए तो वृंदावन में इससे बड़ा भव्य मंदिर तो अभी तक नहीं बना हुआ है, जो काफ़ी बहुत ही जगह लेके बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसके अगल बगल यहाँ श्री कृष्ण जी नागवासुकी पे नृत्य करते हुए, दरिदन की प्रदर्शनी इधर लगा रखी है, उन्होंने गार्डन बना रखा है। और आइए इसके आगे आपको ले चलते, देखिए इस साइड भी गार्डन बना हुआ है। और यह मंदिर के करीब पीछे तरफ आ गए हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इधर इनका सत्संग हॉल है और उधर प्रदर्शनी है। और आप आगे देख सकते हैं वहाँ पे इनका कैंटीन है, वहाँ पे खाने पीने की सारी व्यवस्था है। पहले पहले दर्शन कर लेते हैं फिर आपको कैंटीन की तरफ ले चलते हैं। और ये चप्पल उतारने के बाद बहुत गर्म है मार्बल चलने में, भैया मार्बल कितना गर्म है चलने में। और ये मंदिर के दर्शन, मंदिर के अंदर मोबाइल चलाओ नहीं है तो मोबाइल बंद कर देंगे, दर्शन कर लेंगे उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पे लोग आ चुके हैं, यहाँ भी काफी अच्छा नजारा है यहाँ से। दोस्तों दर्शन हो गए हैं अंदर मंदिर के और अब हम लोग चले बाहर, और फिर इसके बाद चलिए आप कुछ झांकियाँ दिखाते हैं जो प्रभु जी ने बहुत अच्छी अच्छी सजाई हैं, बनाई हैं श्री कृष्ण जी की। और ये देखिए कितना भव्य गिरिराज पर्वत स्वयं श्री कृष्ण जी ने अपने एक छोटी सी उंगली को उठा रखा है, कितना सुंदर इसको बना रखा है पूज्य कृपालु महाराज जी ने, एकदम भव्य दर्शन इसको कर सकते हैं आप। ये रामायण काल की भी झांकियाँ लगा रखी हैं, बना रखी है, कितना भव्य सजा रखा है ये श्री कृष्ण। और ये श्री कृष्ण राधा रानी को झूला झुलाते हुए, काफी सुंदर गार्डन को डेकोरेट कर रखा है देखा जाए तो।
दोस्तों, हम मंदिर से निकल आए हैं और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मंदिर की टाइमिंग करीब सुबह 8:30 से 12:30 बजे तक ओपन रहती है, फिर शाम 5 बजे से शाम को 8:30 बजे तक ओपन रहती है। ज़्यादातर प्रेफर करिए शाम को आइए, क्योंकि लाइटिंग शो हुआ करती है। ये अपने शिवा ढाबा में हम लोग आ गए हैं, करीब वृंदावन से थोड़ी ही आउट, वृंदावन से करीब करीब ये 10 किलोमीटर दूर बाहर है। और यमुना एक्सप्रेस जैसे ही आप उतरेंगे सीधा कनेक्ट करता है। यहाँ का खाना कम से कम आपको नॉर्मल रेट में एकदम टेस्टी मिल जाएगा, और अंदर एसी है। चलिए आपको दिखाते हैं इसके बाद। ये भी काफ़ी बड़ा है, जैसे देख सकते काफ़ी सीटिंग एरिया बड़ा है यहाँ पे, और सारा एयर कंडीशनर है पूरा का पूरा। चलिए बैठते हैं, यहीं भी बैठिए। यहाँ पे रीजनेबल रेट तो है। कहो का दो मसाला डोसा कर दीजिए, एक पनीर दो प्याज और तवे वाली रोटी, तंदूरी रोटी कर दीजिए, ठीक है, और एक छाछ कर दीजिएगा, प्लेन की बटर रोटी कर दीजिए। और आप दोस्तों देख सकते हैं इनका कितना रीजनेबल रेट है, काफ़ी सस्ते में, वैल्यू फॉर मनी है खाना। अभी आता है खाना तो हम आपको दिखाते हैं कितना टेस्टी है। दोस्तों, अपना मसाला डोसा तो आ गया है, भाई का भी मसाला डोसा आ गया है, इनसे रिव्यू लेंगे खाना खाते वक्त कैसे लग रहा है, क्योंकि हमने इनको सजेस्ट किया यहाँ का खाइएगा फिर बताइए कैसे लगता है। और हमारे भाई का भी पनीर दो प्याज़ा आना बाकी है, चलिए आ जाए फिर बात करते हैं और इसको समाप्त करो। बहुत टेस्टी लग रहा है देख के, ये पनीर दो प्याज़ा यार, और रोटी का हम लोग यही ऑर्डर किया होता, खा के देख के मुँह में पानी आ रहा है, एकदम मस्त लजीज, जैसे कि जायकेदार। दोस्तों, लस्सी भी ऑर्डर किया और खाना लोग का खा के ख़त्म कर दिया है, काफ़ी टेस्टी था। और हम लोग का बिल करीब आया 3 लोग के खाने का सिर्फ 700 रुपये, अब इससे सस्ता तो खाना नहीं हो सकता। अब हम लोग आ गए हैं माँ दादा रानी के मंदिर के पास, और ये हम चढ़ाई पर ही हैं। वहाँ पहुँचने का ये जो रास्ता है, कार से जब भी आप आएंगे तो आप इधर से चढ़ा सकते हैं। एक पैदल भी रास्ता है, वो स्टार्टिंग में ही आपको दूसरी साइड से पड़ेगा, लेकिन ये जो चढ़ाने वाला है वो यही है, तो इसको देखते रहिए आप लोग। नीचे का एरिया दोस्तों, वृंदावन से 38 किलोमीटर दूर श्री लाडली जी महाराज के बरसाने में आ गए हैं, श्री राधा रानी के मंदिर में, और उसके अभी मंदिर बंद है, ओपन होते हैं, लोग दर्शन करने चलेंगे, प्रसाद ले लिया है। राधे राधे दोस्तों, देखिए ये है राधा रानी श्री लाडली महारानी हमारी, कर लीजिए दर्शन लीजिए। हरे कृष्णा दोस्तों, इस वक्त हम लोग हैं कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में, और जा रहे हैं कृष्ण जी के दर्शन करने मथुरा में मंदिर में। चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर तो मोबाइल ले जाने अलाउ नहीं है, पर जहाँ तक ले जाने का अलाउ है वहाँ तक दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी शॉप लगी हैं, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं आते वक्त। दोस्तों, ये एंट्री के लिए गेट नंबर 3 है, यहाँ से एंट्री करने के लिए, और यहीं पे भी क्लॉक रूम बना हुआ है, आप मोबाइल लाते हैं तो मोबाइल अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, तो आप अपने मोबाइल को यहीं पे जमा कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमें दर्शन कर लिया है जन्मभूमि का, कृष्ण जी का, और मिशन की बता दी, इस मंदिर की टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक भी रहती है, उसमें शाम 4:30 बजे से 8:30 बजे रात तक भी रहती है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, एक नए सफर में, तब तक के लिए।